हेलो फ्रेंड्स, बिना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नाचोस, उसके साथ में हम सालसा और चीज डिप भी बनाएंगे। नाचोस बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं नाचोस। इसके लिए ये मैंने 1.5 कप कॉर्न मिल लिया है, जिसे हम मकई का आटा बोलते हैं। ये 1/4 कप हमने राइस फ्लावर लिया है, 1/4 कप मैदा लिया है ऑल पर्पज फ्लावर, ये गार्लिक का पाउडर है, ऑनियन पाउडर है, चिल्ली फ्लेक्स है, नमक है और ब्लैक पेपर पाउडर है। ऑयल लगेगा हमें 1 टीस्पून और पानी लिया है आटा लगाने के लिए। तो आइए पहले हम इसका आटा लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, नाचोस का हम पहले आटा लगा लेते हैं। ये कॉर्न मिल में हम मैदा ऐड करेंगे 1/4 कप, राइस फ्लावर ऐड करेंगे 1/4 कप, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाफ टी स्पून हमने गार्लिक पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हम ऑनियन का पाउडर लेंगे, थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स लेंगे, 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका आटा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा लगा लिया है। अभी 10 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे। सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। आइए फ्रेंड्स, अभी हम सालसा के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है वो देख लेते हैं। ये हमने 3 बड़े साइज के टोमेटो लिए हैं, जिसको हमने बारीक कट करके लिया है। 1 प्याज हमने लिया है छोटे साइज का, जिसे भी हमने बारीक कट करके लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है। ये हाफ हमने शिमला मिर्च ली है, ग्रीन वाली। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च है बेल पेपर, तो आप वो भी ले सकते हैं इसके साथ में। उसके साथ में हमने 1 टीस्पून लेमन जूस लिया है। ये 1/2 टीस्पून हमने गार्लिक को क्रश करके लिया है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, और ये 1 टोमेटो और रेड चिली हमने लिया है, जिसको हम रोस्ट करके उसका प्यूरे बना के लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सालसा के लिए पहले हम ये टोमेटो और रेड चिली जो है उसे रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जाली पे हमने गैस ऑन करके टोमेटो रख दिया है। चिली को हम थोड़े बाद में रखेंगे, क्योंकि चिली को हमें थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। ये चिली को भी हम रोस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चिली को हमने रोस्ट करके ले लिया है और ये टोमेटो भी हमारा रोस्ट हो चुका है। आइए फ्रेंड्स, अभी हम नाचोस बना लेते हैं। ये छोटे साइज का हम आटे का गोला लेंगे। इसे मैदे में डस्ट करेंगे और इसकी रोटी बेलेंगे। सॉफ्ट हैंड से हमें रोटी बेलनी है। आप चकले को ही घुमा सकते हो, मतलब बार बार उसे उठाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपको लगेगा कि आटा चिपक रहा है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम मैदा डाल लेंगे। हमें इसे एकदम पतला करना है, जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसे बेलिए। अभी हम इसे पिज़्ज़ा कटर से कट करते हैं।
इसे अच्छा शेप लाने के लिए हम ऐसा कोई ढक्कन ले लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अभी हम इसे फोर्क से होल कर लेंगे। देखिए और इस तरह से हम सभी नाचोस बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे फ्राई करने के लिए डाल लेते हैं। एक साइड से इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और फिर दूसरे साइड को हम पलट लेंगे। इसे एकदम क्रिस्पी करना है। पलट लेते हैं, सर से इसका कलर आ चुका है। फिर हम इन्हें निकाल लेते हैं। अच्छे से ऑयल इसका निकाल के आप इसका आवाज सुन सकते हो। ये बहुत ही क्रिस्पी है। हम ठंडा होने देते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये हमारे नाचो बनके तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसे कोट करेंगे। ये देखिए, ये चीज पाउडर हमने लिया है और ये पेरी पेरी पाउडर है, दोनों हम मिक्स करके इसका हम कोटिंग करेंगे। तो कोट करने के लिए हम इसके ऊपर ये ढक्कन रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नाचोस कोट हो चुके हैं। अभी हम इसके लिए एक चीज डिप बना लेते हैं। उसके लिए ये एक टेबल स्पून व्हाइट बटर हमने लिया है, साथ में ही ये एक टेबल स्पून हमने मैदा लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं और दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने व्हाइट सॉस बना लिया है। अभी इसमें हम ये चीज इस तरह के मैंने दो क्यूब्स लिए हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐड कर देते हैं। इसे भी अच्छे से फिकर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम लो पे ही रखेंगे। ये एक टेबल स्पून हम चीज क्रीम इसमें ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीज डिप इसमें अच्छा बना है। फ्रेंड्स, इसमें हम लास्ट में ये मोजरेला चीज ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून हमने मोजरेला चीज लिया है, इसे हम ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम सालसा बना लेते हैं, जिसके लिए ये टोमेटो पहले डाल लेते हैं। सभी चीजों को हमें मिक्स करना है। प्याज लिया है एक, वो इसमें डाल लेते हैं। शिमला मिर्च डाल लेते हैं। चिल्ली फ्लेक्स है। ब्लैक पेपर पाउडर। नमक लेंगे स्वादानुसार।
हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, एक टी स्पून लिया है, ये चार पांच गार्लिक क्लोव्स को मैंने क्रश करके लिया है, एक टी स्पून हमने नींबू का जूस लिया है, ये धनिया पत्ती ऐड कर देंगे इसमें, लास्ट में हमने ये एक टोमेटो और रेड चिल्ली को जो रोस्ट करके लिया था इसका कोर्सली ऐसा ग्राइंड किया है उसको, तो वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, इससे रोस्टेड टेस्ट आएगा इसमें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सॉस इतना अच्छा बना है, ये देखिए बहुत ही चीजी बना है, और ये इसके साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है वो। आइए फ्रेंड्स, ये हमारी नाचोस और साल्सा एंड चीज डिप की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।